सनातन धर्म शांति और सौहार्द प्रेम भाईचारा का धर्म है। यानी ये जो यात्रा है बिहार में, पूरे बिहार में भ्रमण करते हुए अयोध्या 22 तारीख को पहुंचे। कल तक जो राम का नाम नहीं लेते थे, आज निमंत्रण पत्र का इंतजार कर रहे हैं कि मोदी जी हमको भी निमंत्रण दें, हम जाएंगे। जहां मंदिर बनता है वहां फूल बेच करके लोग अपने परिवार का भरण पोषण कर लेते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आइए हम सब मिलकर के शांति सौहार्द प्रेम भाईचारा बना कर रहे और नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत करके उन्होंने संकल्प लिया है वैभवशाली राष्ट्र बनाने का। जय हिंद। अभी हम लोग सिवान में उपस्थित है और सिवान में श्री राम जी का जो मंदिर है, मंदिर के प्रांगण में उपस्थित है। और आपको बता दें, यहाँ से एक विशाल यात्रा निकल रही है जो सीधे अयोध्या पे जाएगी और अयोध्या राम मंदिर का आप सबको बता दें 22 तारीख को उद्घाटन होने वाला है। और वहीं पे ये गाड़ी आपको दिख रही है पीछे, इस गाड़ी में किस तरीके से हवन वगैरह भी हुआ और ये गाड़ी पूरी अयोध्या के अयोध्या जाएगी और इस गाड़ी के साथ पूरा लंबा काफिला जा रहा है अयोध्या के लिए। तो अभी हमारे साथ सिवान के जो पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव जी है वो उपस्थित है। इनसे हम जानेंगे कि ये काफिला कितने गाड़ियों का काफिला जा रहा है और कहाँ जा रहा है, किस तरीके से जा रहा है, तमाम चीजों पे बात करेंगे। सबसे पहले तो स्वागत है सांसद महोदय। पहले तो जय श्री राम, और आप लोगों के परिवार में भगवान प्रभु का आशीर्वाद और सने सहयोग बना रहे ईश्वर से। महोदय, ये जो यात्रा निकल गई इसकी शुरुआत कैसे हो रही है? जय श्री राम। यात्रा निकली है हम लोगों के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी के द्वारा पटना से पूरे जिले को, पूरे जिले में भ्रमण करते हुए, गोपालगंज हम लोग इसको छोड़ेंगे और गोपालगंज से पूरे जिले में यात्रा संपन्न करके अयोध्या 22 तारीख को पहुंचेगी। यानी कि ये जो यात्रा है बिहार में, पूरे बिहार में भ्रमण करते हुए अयोध्या 22 तारीख को पहुंचेगी एकदम। कितनी गाड़ियों का काफिला है? कितना गाड़ी? 50 गाड़ी है। 50 गाड़ी का काफिला है। अच्छा, इस यात्रा में मतलब क्या क्या व्यवस्थाएं की गई है इस यात्रा के दौरान? शांति सौहार्द प्रेम भाईचारा बनी रहे, अच्छा, इसकी तो व्यवस्था प्रशासन ने किया ही है। और सनातन धर्म शांति और सौहार्द प्रेम भाईचारा का धर्म है, इसमें हिंसा हिंसक बर्दाश्त नहीं होती है। अच्छा सांसद महोदय, देखा जाए तो काफी 22 तारीख को जब राम मंदिर का उद्घाटन है उसके लेके तैयारियां काफी जोर शोर से है। माननीय प्रधानमंत्री जी भी वहाँ निरीक्षण के लिए आए थे, काफी ज्यादा संख्या में श्रद्धालु भी वहाँ पहुंचने वाले, तमाम श्रद्धालुओं को क्या कुछ करना चाहिएगा? देखिए, 500 वर्ष के संघर्ष, त्याग और तपस्या के बदौलत मंदिर का नवनिर्माण हुआ है। श्रद्धालु पहुँचेंगे देश विदेश से, पूरा देश में राममय हो गया है और उन लोगों को रहने और खाने की सारी व्यवस्था हमारे प्रशासन के लोग कर रहे हैं। अच्छा, कहीं ना कहीं ये राम मंदिर पे बहुत सारी राजनीति भी हो, लगातार कई वर्षों तक राजनीति हो रहा है, कई वर्षों के राजनीति के फलस्वरूप आज राम मंदिर बन के तैयार हो गया है और बस कुछ ही दिनों में उसका उद्घाटन भी होने वाला है। तमाम जो लोग विरोधी हैं, जो लोग राम मंदिर के खिलाफ हुआ करते, उन लोगों को क्या करना चाहिए? कल तक जो राम का नाम नहीं लेते थे, आज निमंत्रण पत्र का इंतजार कर रहे हैं कि मोदी जी हमको भी निमंत्रण दें, हम जाएंगे। ये सब राम प्रभु का देन है, कृपा है। और देश, कल तक वो लोग कहते थे कि राम कोई आदमी नहीं, ये काल्पनिक बात है, आज पूरा देश राममय हो गया है। विरोधी चिंतित और भयभीत हो गए हैं, आज भी सद्बुद्धि जगे, उन लोगों की मानसिकता सुधरे, राम का नाम ले, भगवान सबका कल्याण करे। सांसद महोदय, एक और सवाल बता दीजिए, कुछ लोग ये कहते हैं कि राम मंदिर के निर्माण से कुछ भला नहीं होने वाला, क्या सच में मंदिर के निर्माण से कुछ भला नहीं होने वाला? जहाँ मंदिर बनता है वहाँ फूल बेच करके लोग अपने परिवार का भरण पोषण कर लेते हैं। जब मंदिर बन जाएगा तो उत्तर प्रदेश का कायाकल्प हो जाएगा। अच्छा, राम हजार करोड़, कितने लोगों को रोजगार मिलने वाला है? अरे हजारों लोगों का डायरेक्ट रोजगार मिल जाएगा। और देखिए सांसद महोदय का ये बड़ा खुलासा, और कहीं ना कहीं ये बात सत्य भी है कि एक राम मंदिर के निर्माण से कहीं ना कहीं डायरेक्ट लगभग 5 लाख लोगों को रोजगार मिलने वाला है और उसके साथ इनडायरेक्ट कई लोग जुड़ेंगे। अच्छा, पूरे देशवासियों से क्या अपील कीजिएगा? आइए हम सब मिलकर के शांति सौहार्द प्रेम भाईचारा बना कर रहे और नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत करके उन्होंने संकल्प लिया है वैभवशाली राष्ट्र बनाने का। दुनिया में सबसे विकसित कोई देश है तो भारत है। उनका संकल्प है कि हम तीसरा अर्थव्यवस्था बनाकर देंगे भारत को, उनके हाथों को मजबूत करें।
कहीं ना कहीं ये तमाम सनातनियों के लिए ये बहुत बड़ी जीत है और राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, ये तमाम सनातनियों को गर्व की बात है और गर्व से कहेंगे कि गर्व से हम हिंदू है। एक बार सांसद महोदय, आपके सांसद महोदय एक सवाल आपके ऊपर, बहुत सारा ये लगा कि सांसद महोदय का तबियत खराब है, एक बार जोर से ऐसा नारा लगाए ताकि सबको पता चल जाए कि सांसद का एकदम तंदुरुस्त है। राजनीति में आरोप लगता है कि उनकी तबियत खराब है, कोई आरोप नहीं लगा सकता कि सांसद ने किसी का मर्डर कर दिया, किसी का खेत हड़प लिया, किसी का जबरदस्ती दखली कर लिया, ये तो आरोप नहीं लगता। नहीं, नहीं, नहीं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और इस जय श्री राम के नारे के साथ सांसद महोदय ये इस चीज का प्रमाण भी तमाम लोगों को दे रहा है कि हाँ मैं एकदम तंदुरुस्त हूँ, मस्त हूँ और चुनाव लड़ने के लिए रणभूमि में तैयार हूँ। बाकी आप तमाम देशवासियों से, सनातनियों से अपील है कि आप भी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, राम मंदिर के निर्माण से आप लोग कितना खुश है ये जरूर बताइएगा। और अंत में सिर्फ और सिर्फ एक ही शब्द, जय श्री राम।